हाय विश, आज का मेरा लेक्चर है अबाउट पावर सेट ऑफ फोर एलिमेंट्स। जब आपके पास फोर एलिमेंट्स हो तो उसका पावर सेट कैसे लेते हैं, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा उसके लिए। तो फोर एलिमेंट्स, अब देखें, सेट्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सेट्स के अंदर ये होता है जो उसके एलिमेंट होते हैं, वे मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो लिखे होते हैं ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। और जो पावर सेट होता है ये भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। पावर सेट वो होता है जिसमें ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, सबसेट ऑफ अ सेट। और पावर सेट बनाते हुए हमेशा याद रखें नंबर नॉट रिपीट करें, नंबर शुडंट रिपीट। सो हम इसको मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो आज का लेक्चर बनाते हैं। मेरे पास है ये ए सेट है, अब उसका पावर सेट बनाना है। अब पावर सेट कितने बन सकते हैं उसके लिए भी एक फार्मूला है। सो पावर सेट कितने बन सकते हैं, ए के पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू टू पावर, इधर मैं लिखता हूँ फार्मूले में एलिमेंट, जितने एलिमेंट हो वो टू पावर दे दो। वैसे तो ये लिखते हैं ना इसको टू पावर एन, और यहाँ पे एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो मैंने इसलिए ऊपर एलिमेंट लिख दिया कि आपको समझ आए। टू पावर एन इसका फार्मूला है, तो टू पावर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू टू पावर, अब यहाँ पे मेरे पास देखिए कितने एलिमेंट हैं, वन टू थ्री फोर, मेरे पास है फोर एलिमेंट, तो मैं लिखूंगा टू पावर फोर। अब टू पावर फोर का मतलब है टू को फोर टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करो। ओके, वन टू थ्री फोर, सो दैट मीन टू टूज आर फोर, टूज आर एट, एट टूज आर सिक्सटीन। सो हमने बनाने हैं सिक्सटीन। सिक्सटीन हमारे पास सबसेट बनेंगे इसके टोटल, सिक्सटीन सबसेट बनेंगे हमारे पास इसके टोटल। सो सिक्सटीन सबसेट हम बनाते हैं इसके। अब कैसे बनाने हैं सिक्सटीन सबसेट, देखें पी हमने कुछ भी नहीं करना, वही जो ए में, यहाँ पे ए सेट फिर से लिख देता हूँ, वन टू थ्री फोर। अब पी ऑफ ए, इसके लिए आपने मिडिल ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और अंदर सारे स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, स्मॉल ब्रैकेट्स में सबसे पहला एम्प्टी सेट, सबसे पहला सबसेट जो उसका होता है वो होता है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के लिए जीरो डाल के इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, दैट मीन एम्प्टी सेट। अब इसको एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये हमारे पास एम्प्टी सेट सबसे पहले। उसके बाद आपने जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके लिखें, वन वन की शेप में, वन वन पेयर में, वन की पेयर में, वन टू थ्री फोर। अब देखें वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये सारे के सारे आ। अब टू टू के पेयर में जाएं, वन से टू में चले जाएं। अब वन के साथ पहले स्टार्ट करें, टू में वन टू, वन थ्री, वन फोर, हम वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन के साथ, अब टू के साथ जाएं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, हमेशा सेट में, सेट बनाते हुए आपने लिखा वन टू। अब ये हमारे पास टू वन नहीं लिखना है, इसको दोनों सबसेट्स में एक ही हैं, एक ही सबसेट है। सो आपने वन टू लिख दिया, इसको रिपीट नहीं करना है, टू वन नहीं करना है। ओके, सो ये हमारे पास ये बात ध्यान में रखनी है, वन टू, वन थ्री, वन फोर। अब हमने टू के साथ स्टार्ट करना है, टू के साथ वन से आगे आगे टू थ्री, क्योंकि टू वन तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद है टू फोर, अब टू थ्री टू फोर हो गए। अब देखें थ्री पे जाए, थ्री पे आपने रिवर्स नहीं आ सकते, थ्री टू नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी टू थ्री कर दिया है। सो आपने थ्री फोर आगे आगे चलना है। ओके, सो मेरे पास आ गया थ्री फोर, नेक्स्ट आ गया थ्री फोर। अब इसके बाद टू के पेयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमने जाना है थ्री के पेयर्स में, वन टू थ्री, वन से स्टार्ट करें, वन टू
थ्री, सबसे पहला आ गया वन टू थ्री। अब फिर देखें वन टू के साथ वन टू फोर करें, वन टू फोर। बस देखना है आपने कि नंबर रिपीट ना हो, नंबर रिपीट ना हो। अब वाकई आ गया वन टू फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू फोर। अब इससे आगे नेक्स्ट में जाए, वन टू थ्री आ गया और वन टू फोर, अब टू की नंबर है टू थ्री फोर। अब है टू थ्री फोर, अब टू थ्री फोर भी हो गया। अब हमारे पास एक और भी बन सकता है वन थ्री फोर, वन थ्री फोर। आपने देखना है कि रिपीट ना हो रहा हो। अब ये देखें हमारे पास वन थ्री फोर रिपीट नहीं हुआ हुआ, सो वन टू थ्री, वन टू थ्री के बाद वन थ्री फोर और टू थ्री फोर हमने किया है, वन टू थ्री, वन टू फोर, टू थ्री फोर, वन थ्री फोर। ये हमारे पास थ्री के साथ पॉसिबल सबसेट बन गए हैं। अब फोर के साथ वन टू थ्री फोर, सारे का सारा आ जाएगा। ओके, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। सो ये हमारे पास सारे के सारे पॉसिबल सबसेट बन गए हैं इसके। अब काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। सो ये हमारे पास 16 पॉसिबल जो सबसेट इसके बनते हैं वो पावर सेट में आ जाते हैं। ये पावर सेट बनाने का इसका सिंपल सा एक तरीका है। फिर से मैं लिखता हूँ, आपने करना क्या है, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली करता हूँ। पावर सेट किसी का भी बनाना है। अब देखें वन टू थ्री फोर एलिमेंट है इसके। सबसे पहले खाली सेट, एम्प्टी सेट, ओके। उसके बाद आपने वन वन के पेयर में लिखना है, वन वन के पेयर में लिख लें। उसके बाद आपने टू टू के पेयर में लिखना है, वन को छोड़े टू में जाए, वन टू वन थ्री और वन टू वन थ्री वन फोर, फिर टू पे आ जाए टू थ्री टू फोर, ऐसे ही एज इट इज़ लिखते जाए, ठीक है। अब उसके बाद आपने थ्री के पेयर में जाना है, वन टू थ्री फोर, फिर उसके बाद फोर के पेयर में जाना है। पहले वन सिंगल मीन, सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद सिंगल पेयर में, फिर पेयर किसका डबल, फिर उसके बाद ट्रिपल, फिर उसके बाद फोर में जाएं, फोर्थ पेयर में इसकी पेयर बनाएं। ये आपके पास इस शेप में बनाएंगे तो ये इसके सारे पॉसिबल सबसेट। और हमेशा से याद रखें कि वही बात मैं अगेन कर रहा हूँ, आपने अगर लिया वन टू दैट इज़ इक्वल टू टू वन सेट्स में, आपने लिया टू थ्री दैट विल बी इक्वल टू थ्री टू एज वेल, आपने लिया वन टू थ्री दैट विल बी इक्वल टू थ्री टू वन। आपने इनको रिपीट नहीं कर सकते, या ये लिखो या ये लिखो, इनमें से वन लेना है, एक ही सेट लेना है। तो इस तरीके से आप जो हैं वो इसके फोर पेयर के साथ, मुझे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसके लिए ये है कि ये इस तरीके से आप इसको पावर सेट को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई पास कोई क्वेश्चन है अपने फीडबैक में लिख दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।